पंपा नदी के तट पर बालक को सुला दिया। राजशेखर उस नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसके घर में संतान नहीं थी। देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। संतान उसने देखा कि एक बालक रो रहा है, बालक को उठा लिया। बालक को उठाया, अपने घर लेकर गया, धर्म पत्नी से कहा, औलाद नहीं पर मुझे ये बालक मिला है, बड़ा तेजवीर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, ले इसको पालन करो। रानी ने उसका पालन पोषण करा। बालक आया, बड़ा हुआ, पालन पोषण करा। कुछ महीने के बाद रानी का भी गर्भ ठहर गया। रानी का गर्भ ठहरा, एक बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे ने जन्म लिया। रानी की दासी ने रानी से कहा, राजा का प्रेम, जो बेटा पंपा नदी के तट पर मिला है, राजा का पूरा प्रेम उस बच्चे के प्रति है। हमें लगता है तेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो वही बैठेगा। ना जाने किसकी औलाद, ना जाने किसकी संतान, राज सिंहासन पर वो बेटा बैठेगा। वो बेटा राज सिंहासन पर बैठेगा। रानी को बड़ा लगा। आज रानी मन में वियोग कर कर उसने सोच लिया, इससे तो प्राण त्याग दूं तो अच्छा। रानी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। वन में जैसे ही गई, वन में जाते से ही इसको वो सुंदर स्त्री जो गोदावरी के तट से वर लेकर गई थी, शंकर और भगवान विष्णु के संतान मेरा वध करेगी, उस रानी को वो स्त्री मिल गई। क्या नाम था उसका? महिषी। महिषी ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा चंद्रशेखर की धर्म पत्नी, मैं राजशेखर की पत्नी। राजशेखर की? हाँ, मैं राजशेखर की पत्नी। तुम कहां जा रही हो? प्राणों को त्याग नहीं, इतने छोटे से बच्चे को लेकर? हाँ, इसको भी। क्यों? मेरा बेटा राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों, क्या हुआ? मेरे पति को एक बालक मिला था, उस बालक को लिया या पाल पोस के बड़ा करा, और मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पति का प्रेम उस बालक के प्रति है। महिषी ने कहा, क्यों घबराती है? तू घर जा, घर जाकर बीमार होने का नाटक करना, अपने बेटे से कहना कि मुझे शेरनी का दूध लाकर दे, शेरनी के दूध में, बाघिन के दूध में दवाई डालकर लेना है तो मैं ठीक होऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाघिन के दूध में? हाँ, तेरा बेटा बाघिन का दूध लेने के लिए आएगा, शेर उसको खा जाएगा, अगर शेर नहीं खाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगी और मार दूंगी। तो क्यों चिंता करती है, जा घर। महिषी ने बुद्धि में रानी के भर दिया। रानी घर चली गई, बीमार होने का नाटक कर लिया, बीमार होने का नाटक करा। रानी जैसे बीमार होने का नाटक करी तो अपने बेटे को बुलाया। कौन से बेटे को? जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था, जो पंपा नदी के तट पर मिला था, जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था। क्या नाम रखा था? जम के बोलो जरा, अयप्पा। जिसका नाम राजशेखर ने अयप्पा रखा था, बुलाया, आवाज लगा, आवाज लगाकर रानी ने आवाज लगाई, अयप्पा, स्वामी अयप्पा। जो आवाज लगाई, अयप्पा दौड़ कर आया। मां, मां, क्या बात है? मां तुरंत कहती है, मेरे को दवाई लेना है और बाघिन का दूध चाहिए, शेरनी का दूध, अगर वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। पिता ने कहा, पति बोले अपनी रानी से, राजा बोला रानी से, किसको बोल रही है शेरनी का दूध लाने को? बाघिन का दूध लाने के लिए छोटा सा बच्चा है अयप्पा, या अयप्पा छोटा सा है और तू बाघिन का दूध लाने को बोल रही, शेरनी का दूध? इतने में तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, राजा राजशेखर से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं दूध लेकर आता हूं। राजशेखर के पास में से अयप्पा स्वामी दौड़ पड़े,
और अय्यप्पा दौड़ते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो शेरनी को जो देखा, देखकर शेरनी खाने के लिए दौड़ी, पर अय्यप्पा स्वामी बच गए। तो महिषी ने सोचा, मैं इसको मार देती हूं, मेरी सहेली का काम बन जाए। महिषी ने अय्यप्पा स्वामी को मारने के लिए प्रयास करा। भगवान अय्यप्पा स्वामी ने उसी समय महिषी को पकड़कर संहार कर दिया। संहार करा, अपनी मां के लिए अगर शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा तो पात्र नहीं लाया, किस बर्तन में लेकर जाऊंगा। अय्यप्पा स्वामी ने शेरनी को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर शेरनी को, बाघिन को अपनी मां के पास लेकर पहुंच गए। मां, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल। ये शेरनी लेकर आया हूं, ये बाघिन लेकर आया हूं, इसका दूध निकाल मां। और इसका दूध निकाल कर तो दवाई में पी ले। मां ने आंख में से आंसू बहाए, पिता राजशेखर की आंख से आंसू निकलने लगे। ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई बात है। जिस शेरनी पर चढ़कर अय्यप्पा आया था, उस शेरनी से स्वयं राजशेखर ने पूछ लिया, इसने तुम्हें मारा, तुम कौन हो। शेरनी कहती है, जिस जगत जननी की अंजलि में नारायण और शंकर का श्रु का मिलन हुआ था, उससे यह बालक जन्म लिया। ये बालक साधारण नहीं, शंकर और विष्णु के संतान अय्यप्पा स्वामी है। भगवान शंकर और विष्णु की संतान अय्यप्पा स्वामी है, ये साधारण संतान नहीं। राजशेखर पहचान गए, पर बेटा राज सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। पिताजी मुझे जाना होगा, पिताजी मुझे जाना होगा। तभी शबरी पर्वत पर जाकर, शबरी पर्वत के ऊपर अय्यप्पा स्वामी शेरनी पर चढ़कर गए और बैठकर तप साधना में लीन हुए। महिषी के प्राण चले, महिषी के। महिषी मरी, देवता आनंद कर, आनंद। महिषी के मरते ही सुख का भान हो गया। जब जब असुरों का संहार हुआ है, जब जब राक्षस मरे हैं, जब जब असुर का संहार हुआ है, इस भारत की भूमि पर दीपावली का त्यौहार मना है। जब असुर मरे, अब महिषी तो मर गई। गोदावरी के तट का जो फल महिषी ने मांगा था, वो वचन भगवान ने निभा दिया। भगवान नारायण और भगवान शिव की संतान अय्यप्पा स्वामी ने उसको मारा। अय्यप्पा स्वामी